तो वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात पहुंच चुके हैं इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में हमने नेस्टेड ही बता दिया था, एंड इफ नेस्टेड ही बता दिए थे, एल्स इफ एल्स ही बता दिया था। अब बात करते हैं यस एल्स इफ की। मतलब मेरे पास आपके सामने दिख रहे हैं, ये सामने आपको दिख रहा है, इसमें अगर मुझे इंसेंटिव देना है, और इंसेंटिव का मेरा एक स्लैब, यहाँ 52 सॉरी लेस देन 40 है, तो 500 का इंसेंटिव आना चाहिए। ओके, हाँ हाँ 42 अगर ये है 80 है, तो यहाँ पे 1000, और ओके 8200 है तो आना चाहिए 1500, और ग्रेटर देन 100 है तो आना चाहिए 5000। ठीक है सर? 5000 ओके हाँ यस हाँ सर यस। चलिए इसके लिए कोडिंग करते हैं। हाँ हाँ, तो डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक पे आते हैं, और मैं डबल स्क्रीन कर लेता हूँ। इंसर्ट करता हूं मॉड्यूल, और यहां पे सब्जेक्ट, यहां देते हैं आर आर, राइट सिलेक्ट ओपन क्लोज। अब यहां पे हम पहले तो लूप लगाएंगे, हाँ उससे पहले हम करते हैं डिम एस एज ए रेंज सॉरी लॉन्ग, और यहां पे फिर डिम आर एज ए ऑल्सो लॉन्ग, फिर लूप लगाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2। अब इस पे हम कर देते हैं रेंज ए रेंज 65000, इसको डायनेमिक कर रहे हैं ठीक है ना, एंड हाँ एक्सलेस अप डॉट रो और नेक्स्ट आ गया। इसका वैल्यू लोड मतलब करते हैं एस के ऊपर, हाँ एस इक्वल टू एज फुल ए रेंज ए के साथ कंबाइन करेंगे हम आई को, और डॉट वैल्यू, फिर लगाएंगे लूप, कंडीशन लगाएंगे कि इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 40, ओके देन आर इक्वल टू 5। फिर दूसरा कंडीशन लगाना है एल्स इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 80, देन आर इक्वल टू 1000। तो अभी देखिए दूसरा इफ कब चलेगा, जब पहला इफ फॉल्स होगा, फल्स होगा समझ गया ना। हाँ बर्गर हाँ, फिर बराबर एल्स इफ एस इज लेस देन इक्वल टू, हमने कर दिया 100, देन आर इक्वल टू हमने कर दिया यहां पे 1500। ओके फिर एल्स इफ एस इज ग्रेटर देन 100, देन आर इक्वल टू 5000। लास्ट में हमने कर दिया एंड इफ, और फिर करते हैं रेंज वी के साथ हमने आई को लिया डॉट वैल्यू किया, और इक्वल टू क्या कर दिया आर रन कीजिए, रिजल्ट आ गया। देखो टाइम मिसमैच कहाँ, टाइमिंग इंप्रूव हुआ। टू से स्टार्ट होगा ना, फोर वन फोर से नहीं। टू हाँ आ गया। हाँ हाँ यस इसको हम लोग केस से भी कर सकते हैं, ये हाँ किसी तरह। सेलेक्ट केस हाँ सिलेक्ट केस केस, जानते हैं क्या? हाँ नहीं कल मैंने यूज किया पढ़ाए था। हो पढ़ाए हो? अच्छा, आपने बोलो। जो पीडीएफ पीडीएफ फाइल दिए फाइल थे ना दिए थे ना, उसमें पढ़ाए उसमें मैंने पढ़ाया मैंने। चलिए बताते हैं आपको सिलेक्ट केस। तो ये बाकी सब कुछ सेम रहेगा जो हमने यूज किया है, हाँ हाँ ये हाँ बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सेम रहे यहां पे होगा सेलेक्ट
केस केस नहीं, हाँ सिलेक्ट केस किसके साथ, तो एस के साथ, एक केस एक के साथ केस के था। साथ। अब एस में हम देते हैं कि ए, यहाँ पे केस, केस में हमने बोला 0 to 40, 40 तो आर इक्वल टू 5, केस टू 80 41 to 80, तो आर इक्वल टू 1000। वन थाउजेंड फिर केस 81 टू 100, केस नहीं आर होगा, आर होगा ना, आर इक्वल टू 1500, 1500 एंड अगेन केस ग्रेटर देन, यहां ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं, 100 इस तरह हाँ से। हाँ तो आर इक्वल टू 5000, 5000 और लास्ट में एंड एंड केस केस नहीं, एंड सिलेक्ट नॉट ए केस, आई एंड हाँ एंड जिससे सेलेक्ट स्टार्ट होता है यस उसी को करना हो। हाँ हाँ यस समझे, तो हाँ यहां समझ गया आप सर। इफ को अच्छे से समझ गए, इफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, ईप को कुछ इफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं, तो इफ आप इफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए थे आई थिंक उसको आपने सॉल्व करके नहीं भेजा है। कौन सा? हाँ वो वो तुमने तुमने उसमें सर वीवीए से आंसर भी आंसर दिए है ना, दिए वो है ना। हाँ नहीं, आंसर तो ईप एक्सेल के। का आंसर है हाँ ना, आपको वीवीए का आंसर चाहिए उसमें। ओके 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 ओके, अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, एक एक करके दिखा देता हूँ। जैसे ये आपके हाँ सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाँ नंबर 1, इसी वन काम को आपको एक्सेल इस पे करना होगा, किस पे, वीवीए वीवीए में। वीवीए में, हमें हाँ अलग करके दिखा करता हूँ, एक्सेल पे करके से दिखाया, क्योंकि आपकी एक्सेल में बताया था कि इफ के बारे में उतना जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने दिया था। हाँ हाँ ठीक है, अब हाँ इसको देखें कैसे करेंगे वीवीए में। क्वेश्चन क्या है कि ग्रेटर देन, क्वेश्चन ये है कि अगर ग्रेटर देन 50 40, यहां पे ग्रेटर देन 60 है, तो हाँ मुझे इसको 40 से मल्टी 40 मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी होना चाहिए, क्वांटिटी होनी क्वांटिटी चाहिए। होनी ओके चाहिए। ओके, यहां पे उसकी इंसेंटिव कमीशन मुझे देनी है, ठीक है। हाँ तो इसी काम को चलिए वीवीए के थ्रू आपको कैसे करके भेजना है, सारे कोड मुझे आपको भेजने हैं, ठीक है। फाइल नहीं चाहिए, कोड चाहिए, हाँ क्वेश्चन वन का यस कोड, यस यस सब्जेक्ट वन ओके क्वेश्चन अंडरस्कोर वन ब्रैकेट वन क्लोज। इसमें हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि 4i = चले 2 to 12, ठीक है, 12। हाँ रेंज हाँ i, और फिर यहां पे आप क्या करें, क्यू इक्वल टू रेंज रेंज v के साथ, हमने i को मल्टीप्लाई एम्परसेंड किया डॉट वैल्यू वैल्यू, और यहां करेंगे कि इफ क्यू इज इफ ग्रेटर देन 60 देन क्या होना चाहिए, रेंज 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 सी के साथ आई परसेंट आई डॉट वैल्यू इक्वल टू क्यू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40, 30। ठीक है ना। और यहां पे रन हाँ कीजिए, एंडिंग रिजल्ट आ जाएगा, हाँ रिजल्ट, एक और हाँ हमको आगे भेज दीजिए, हम देख लेंगे, पता चल जाएगा कि आपने इफ अभी तक कितना सीखा है, इतना सीखा है। कितना सीखा है। ओके ओके, इसको करके भेजिए।